बारिशों से कराची शहर डूबता रहा। कुछ लोग कैफे प्याला पर बैठे चाय पीते रहे। मेयर साहब ने तो बारिश से बचने के लिए कोट भी पहन रखा था। सिंध हुकूमत से तो इतना भी नहीं हो सका, बंगले में बैठकर सिर्फ हिदायत देते रहे। सुप्रीम कोर्ट का कराची की शहरी हुकूमत और सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराई में बेंच ने बारिश के बाद कराची की अबतर सूरत हाल से मुतालिक मामले पर समाअत की। जस्टिस गुलजार अहमद ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि सिंध और कराची की शहरी हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। दौरान समाअत जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि बारिशों से कराची डूब गया, कुछ लोग कैफे प्याला पर बैठे चाय पीते रहे, मेयर साहब ने तो बारिश से बचने के लिए कोट भी पहन रखा था, बारिश से इतने लोग मर गए मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि अभी तक बारिश का पानी पड़ा है, सुना है चंद दिनों में मजीद बारिश का इम्कान है, क्या होगा शहर का, आप लोग इंजॉय करें, सारी अजियत सिर्फ शहरियों के लिए है। जिस पर एडवोकेट जनरल सिंह ने जवाब में कहा कि कैफे प्याला पर मेयर और गवर्नर गए थे। जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत से तो इतना भी नहीं हो सका, बंगले में बैठकर सिर्फ हिदायत दे रहे थे। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। अगर वफाक ने मदाखलत की तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आपको इसकी संजीदगी का इल्म नहीं। जस्टिस गुलजार ने कहा कि माजरत के साथ अदालती हुकुम पर कोई अमल नहीं हो रहा है, हमारे पास वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस के सिवा कोई चारा नहीं। इस खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.propertypost.com.pk और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए।